अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी डिस्कशन को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होंगे हाउ टू हाइड वर्कशीट्स, हाउ टू हाइड वर्कबुक्स, व्हाट इज मीन बाय कस्टम व्यूज इन एक्सेल, हाउ टू कॉपी एंड मूव डेटा, हाउ टू कॉपी एंड मूव वर्कशीट, एंड लास्टली हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज ऑप्शन इन एक्सेल। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, हाउ टू हाइड वर्कशीट्स। एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। ओके, नाउ एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो बेसिकली आपके पास एक एरिया होता है जिसमें आप लोग बहुत से बॉक्सेस देख रहे हैं। ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं सेल्स। ये जो सेल होता है ये बनता है कम्बिनेशन ऑफ कॉलम एंड रो। तो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर, कॉलम का नेम है जी और रो नंबर है 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ है G6। कहीं और क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है M8। 8 इज़ द रो, M इज़ द कॉलम नेम। ये पूरे जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं शीट। शीट जो है उसमें बहुत से सेल्स होते हैं, बहुत से कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सी रोज हो सकती हैं जो आप देख रहे हैं। सो दैट एरिया इज़ कॉल्ड शीट। शीट वो एरिया है जहाँ पर आप लोग एक्सेल में सारा काम परफॉर्म करते हैं। अभी अगर आप नोटिस करें मेरे पास जो शीट है इसका नेम नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है Sheet 1, जिसके साथ एक छोटा सा बटन है जिसका नाम है प्लस, न्यू शीट बटन। अगर मैं इसको क्लिक कर दिया तो मेरे पास एक और शीट आ जाएगी। आप देख सकते हैं मेरे पास Sheet 2 जो है वो अपेयर हो गई। इसी तरह आप लोग क्लिक करके फर्दर शीट्स ला सकते हैं। अब हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू हाइड वर्कशीट्स। आप किसी वर्कशीट को या मोर देन वन शीट वर्कशीट्स को हाइड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपने जाना है होम बटन। जो भी शीट आपने हाइड करनी है, लेट सपोज Sheet 1 आपने हाइड करनी है, तो आप जाएंगे होम बटन, आप जाएंगे सेल्स ग्रुप और यहाँ पे आपको मिलता है ऑप्शन फॉर्मेट। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू अपेयर हो जाएगा जिसमें आपके पास एक ग्रुप आ रहा है विजिबिलिटी का। इसमें ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। जैसे मैं यहाँ पे गया इसमें ऑप्शंस आ गए डेट यू कैन हाइड योर शीट। सो जो भी आपकी एक्टिव शीट है उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे सेलेक्टेड है और आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सो मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे पास Sheet 1 जो है वो टोटली यहाँ से हाइड हो चुकी है। इसी तरह आप लोग बाकी शीट्स को भी हाइड कर सकते हैं। आपको जाना होगा फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड एंड हाइड शीट। आप देख सकते हैं Sheet 2 भी यहाँ से हाइड हो चुकी है। आप इसको अनहाइड कैसे करेंगे, आप यहीं पे आएंगे, इसी ग्रुप में आएंगे क्योंकि इसका नाम है हाइड एंड अनहाइड। सो यहाँ पे सेकंड जो सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि सबके साथ लिखा हुआ है अनहाइड अनहाइड अनहाइड। सो हम लोग अभी शीट पे बात कर रहे हैं तो आप लोग यूज़ करेंगे लास्ट ऑप्शन दैट इज़ अनहाइड शीट। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मेरे सामने एक विंडो ले आएगा। मेरे सामने एक विंडो आ गई है कि आप किस शीट को अनहाइड करना चाहते हैं, बिकॉज आपके पास दो शीट्स हैं जो कि हाइड हो चुकी हैं। सो मैं शीट लेट सपोज 1 को अनहाइड करना चाहता हूं, मैं इसको क्लिक करता हूं, ओके करता हूं, आप देख सकते हैं Sheet 1 जो है वो आपके सामने अपेयर हो गई है। इसी तरह आप लोग Sheet 2 को भी अनहाइड कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्टेड एंड क्लिक ऑन ओके बटन, यू विल गेट योर शीट्स। सो डैट वॉज अवर फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू हाइड वर्कशीट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास हाउ टू हाइड वर्कबुक। अगर आप नोटिस करें व्हाट इज मीन बाय वर्कबुक, एक्चुअली वर्कबुक ये पूरा एनवायरनमेंट है जो आप अभी देख रहे हैं। हमारे पास 3 शीट्स हैं और ये 3 शीट्स जिस फाइल के अंदर हैं उस फाइल का नाम टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, इट्स अ Book 1 एंड दैट होल थिंग इज कॉल्ड वर्कबुक जिसका नेम है Book 1। अगर आप चाहते हैं ये पूरी बुक ही आपके सामने से हाइड हो जाए इंक्लूडिंग एवरी शीट, वो ऑप्शन कहलाएगा आपके पास हाउ टू हाइड वर्कबुक। आपको जाना होगा व्यू बटन में और व्यू बटन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें एक ऑप्शन है इनसाइड विंडो ग्रुप, वी हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड हाइड। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया मेरी बुक और उसमें जितनी भी शीट्स हैं वो सब के सब हाइड हो जाएंगे। सो हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं सारी बुक जितनी भी आपके पास वर्कशीट्स थी और जो पूरी वर्कबुक थी वो आपके सामने से हाइड हो गई है। अनहाइड करने के लिए आपके पास बटन एक्टिव हो चुका है अनहाइड, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो आएगी। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास राइट नाउ एक ही बुक है जो कि हाइड हो चुकी है, आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं, प्रेस क्लिक ऑन ओके एंड यू विल गेट योर Book 1। नेक्स्ट टॉपिक है कस्टम व्यूज। कस्टम व्यू एक ऐसा टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो डेवलप करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, कुछ रोस हैं, कुछ कॉलम्स हैं। Now we have some
columns A, B, C, D and we have some rows. Now let's suppose आपने किसी को ये data show करना है और आप चाहते हैं कि उसमें column number B जो है वो हाइड रहे, वो किसी को शो ना हो. हो सकता है इसमें पासवर्ड्स हैं या कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं. आप इसको हाइड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक नया व्यू बन जाए जिसमें कॉलम नंबर ए, कॉलम नंबर सी एंड कॉलम नंबर डी जो है वो सिर्फ विजिबल रहे. सो मुझे इस कॉलम को हाइड करना पड़ेगा. सो कैसे कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड हाइड दिस कॉलम. सो आप देख सकते हैं कि बी कॉलम हाइड हो चुका है. लेकिन अभी आप नोटिस करें यहाँ पे एक नया व्यू बन गया आपके लिए जिसमें आपके पास कॉलम नंबर ए है, सी है एंड डी है और बी कॉलम जो है वो आपके सामने से हाइड है. नाउ ये व्यू जो अभी आप देख रहे हैं, अगर आप इस व्यू को सेव करना चाहते हैं, आप खुद का एक व्यू बना रहे हैं जिसमें कॉलम नंबर बी हाइड हो चुका है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं कस्टम व्यू. जाना होगा आपको व्यू में एंड यहाँ पर वर्कबुक व्यूज में आपके पास ऑप्शन है कस्टम व्यूज़. इसको आप क्लिक करेंगे, एक विंडो आ जाएगी आपके सामने. वो आपको अभी बता रहा है कि आपके सामने अभी कोई भी व्यू ऐड नहीं है. यू कैन ऐड अ व्यू. आप इसको क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट अ विंडो. इसमें आपसे कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड नेम फॉर दिस करंट व्यू. मैं इसको कह देता हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया कॉलम बी जो है वो हाइड है. इसको मैं ओके करता हूँ. ये व्यू मेरा एक्सेल में सेव हो चुका है, कॉलम बी जो कि हाइड है. ओके, बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं, जैसे मैं बी को लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बी के लेफ्ट साइड पे और बी के राइट साइड पे जो भी कॉलम्स हैं उनको आप सेलेक्ट कर लें, क्लिक एंड ड्रैग एंड राइट क्लिक करें और आप यूज़ कर लें अनहाइड ऑप्शन. तो आप देख सकते हैं कॉलम बी आपके सामने अपेयर हो गया है. नाउ ये एक ऐसा व्यू है जिसमें फुल सारे कॉलम्स और सारी रोज आपके सामने विजिबल है. तो हम इस व्यू को भी एक नाम दे सकते हैं. सो मैं क्लिक करता हूँ कस्टम व्यू. अभी आप देख सकते हैं हमारा पुराना नेम इसमें सेफ है. हम ऐड पे क्लिक करते हैं और नेम देते हैं फुल व्यू. इसको ओके कर लेते हैं. इसी तरह मैं एक और व्यू बना लेता हूं जिसमें रो नंबर 2 जो है वो हाइड होगी. सो राइट क्लिक एंड हाइड. सो आप देख सकते हैं नया व्यू आ चुका है आपके सामने जिसमें रो नंबर 2 जो है वो हाइड है. तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं कस्टम व्यू, ऐड एंड रो 2 हाइड. नाउ इसको ओके कर दें तो अब आपके सामने डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो सेव हो चुके हैं, एक्सेल ने सेव कर दिए हैं. अब आप कोई भी व्यू शो करना चाहते हैं, जैसे मैं भी चाहता हूं कि फुल व्यू जो है वो मेरे सामने अपेयर हो जाए. सो आपने क्लिक करना है कस्टम व्यू, यहां से फुल व्यू क्लिक करना है और शो बटन पे क्लिक कर देना है. आपके सामने सारे कॉलम्स एंड रोज जो हैं वो अपेयर हो जाएंगे. अगर आप एक ऐसा व्यू लेके आना चाहते हैं जिसमें रो 2 आपके सामने से हाइड हो, तो आप क्लिक करेंगे कस्टम व्यू, रो 2 हाइड एंड शो. आप देख सकते हैं रो 2 यहाँ से उसने खुद ही हाइड कर दी है. दिस टॉपिक इज कॉल्ड कस्टम व्यूज. आप खुद के व्यूज डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ टू कॉपी एंड मूव डेटा. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम डेटा को कॉपी या फिर मूव कर सकते हैं. लेट सपोज मेरे पास एक कॉलम बी है, इसमें बहुत सी वैल्यूज हैं, इसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे. मुझे एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी चाहिए इस पूरे डेटा की. तो आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, होम बटन में जाएंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये लाइंस आ जाएंगी. इसका मीनिंग ये है कि एक्सेल में ये डेटा कॉपी हो चुका है. अब आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिस कॉलम में भी करना चाहें. मैं चाहता हूँ इसको मैं जी में यूटिलाइज़ करूँ. सो मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड पेस्ट बटन पर क्लिक कर दूँगा. तो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम वैल्यूज़ यहाँ पर अपेयर हो चुकी हैं. डेट इज़ कॉल्ड कॉपी. आप इसको फर्दर भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं. लेट सपोज मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, आपने इस डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, पेज पे क्लिक करना है, आपके सामने सारा डेटा अपेयर हो जाएगा. जब आप ये कर लेते हैं तो इन लाइंस को हटाने के लिए शॉर्टकट होती है हमारे पास एस्केप की. आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका डेटा जो है वो यहाँ से वो जो लाइन्स थी वो यहाँ से चली जाएंगी. दिस थिंग इज कॉल्ड कॉपी. नेक्स्ट जो है आपके पास मूव डेटा. आप डेटा को मूव कैसे करेंगे. लेट सपोज ये कॉलम नंबर ए का जो डेटा है ये मुझे पूरा का पूरा मूव करना है एफ पे. तो उस केस में आपको कॉपी नहीं करना बल्कि कट करना है. इसको क्लिक करें, लाइंस अगेन अपेयर हो गई. आप एफ पे क्लिक कर दें डेस्टिनेशन एंड पेस्ट कर दें. आप देख सकते हैं यहाँ से सारा डेटा कट होके यहाँ पे आ चुका है. डेट इज कॉल्ड मूव. हाउ टू कॉपी एंड मूव वर्कशीट. आप पूरी वर्कशीट को कैसे मूव या कॉपी कर सकते हैं. सो दिस शीट इज कॉल्ड शीट 1. मैं इस पूरी शीट को
कॉपी करना चाहता हूँ, सो उसके लिए मुझे जाना होगा होम बटन, सेल्स ग्रुप, फॉर्मेट, एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इनसाइड ऑर्गेनाइज शीट मूव और कॉपी शीट. सो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक विंडो आएगी. इस विंडो में आपको कहा जा रहा है कि आप किस शीट को कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं. सो अभी मैं मूव करूँगा, मैं चाहता हूँ शीट नंबर वन जो है वो एंड पर आ जाए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मूव टू द एंड. सो इसको क्लिक करते हैं, दिस वन इज़ योर एक्टिव शीट, ओके करते हैं. तो आप देख सकते हैं शीट वन यहाँ से एंड पर आ गई है. अगर आप चाहते हैं कि ये शीट आपके सेंटर में आ जाए तो उस केस में आपने क्या करना है, लेट सपोज शीट टू जो है वो इस जगह पे आ जाए शीट थ्री के पास. तो हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट, मूव और कॉपी शीट. मैं चाहता हूँ शीट टू जो है वो, या अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है बिफोर शीट, मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह पे आ जाए, तो मतलब कि शीट वन से पहले आ जाए, बिफोर शीट वन. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा शीट वन के बिफोर, शीट टू शीट वन के बिफोर आ जाए. इसको ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं शीट टू शीट वन के बिफोर आ चुकी है, डेट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ शीट. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इस पूरी शीट को कॉपी कैसे कर सकते हैं, नॉट मूव बट कॉपी, जिसमें ये डेटा भी आएगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आप बनाना चाहते हैं. सो फॉर्मेट, मूव और कॉपी, मैं चाहता हूँ शीट वन की एक कॉपी आ जाए, तो उस केस में आपको ये ऑप्शन ऑन करना है क्रिएट अ कॉपी. सो इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास शीट वन की डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है, जिसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है टू, दैट वाज योर ओरिजिनल शीट, और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी आ चुकी है यहाँ पे. आप इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड शीट वन कॉपी, मूव और कॉपी. सो इस केस में मैंने कॉपी वाला ऑप्शन यूज़ किया. नेक्स्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है इस चैप्टर इस लेक्चर का, दिस वन इज ट्रांसपोज, ये भी रिलेटेड टू कॉपी पेस्ट ही है. सो इसको करते हैं हम लोग. ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपके रोज को कॉलम बना देगा एंड कॉलम्स को रो बना देगा. सो वी हैव कॉलम नंबर बी हैविंग वैल्यू 260, कॉपी करते हैं इसको, और मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज पेस्ट हों, लेकिन ये इस फॉर्म में पेस्ट हों, हॉरिजेंटल फॉर्म में. सो मैं डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, पेस्ट में नहीं बल्कि मुझे जाना होगा पेस्ट स्पेशल पे. सो पेस्ट के साथ एक छोटा सा एरो है, इसको आप क्लिक करें तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. इसको क्लिक करें एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्रांसपोज, इसको क्लिक करें एंड ओके करें. दिस टाइम यू विल गेट योर ऑल वैल्यूज़ बट इन हॉरिजेंटल फैशन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज. ये आपके वर्टिकल फैशन को कन्वर्ट करता है इनटू हॉरिजेंटल. अगर आप चाहते हैं आपके पास डेटा हॉरिजेंटल में और उसको आप वर्टिकल में कर लें, सो मेरे पास हॉरिजेंटल डेटा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी, डेस्टिनेशन चूज़ कर लें एंड पे स्पेशल में आ जाएँ, तो आप देख सकते हैं ट्रांसपोज ऑप्शन को ऑन करने के बाद जब मैं ओके करूँगा तो हॉरिजेंटल जो था वो आपका कन्वर्ट हो चुका है इनटू वर्टिकल फैशन. सो आज का हमारा लेक्चर में ये डिस्कशन थी एक्सेल से रिलेटेड के अपडेट. ये ज़्यादातर हमारा रिलेटेड था हाइड अनहाइड से, और डेटा को कॉपी कैसे करना है, मूव कैसे करना है, एंड उसके ऊपर ट्रांसपोज ऑप्शन कैसे ऐड करना है. कोई भी कन्फ्यूजन हो कि आप इंशाल्लाह मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सारे आंसर्स प्रोवाइड करूँगा. आप कमेंट्स करें, लोगों के साथ शेयर करें, और जो भी इशू हो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू.